क्या हुआ? यार मुझे भी क्यूट सा बेबी चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूँ, प्यार कर सकूँ, काफी मैं उसी में बिजी हूँ। कल टेंशन ना ले, रब के घर देर है, देर अब ठीक है। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।
के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बाट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का आओगे दिन उसे चल बनाए अबाउट हर मर्थ जर्नी जब वो हुई थी उस टाइम पर मतलब मुझे इतना होश नहीं था तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि बेबी गर्ल हुई है तब मैं आई वॉज इन ऑपरेशन थिएटर जब उसके बाद में थोड़ा होश आया तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि हमारी छोटी सी गुड़िया हुई है एट दैट टाइम आई वॉज ओवर द मून बिकॉज हम शुरू से एक छोटी सी गुड़िया चाहते थे क्योंकि हमें लड़की को तैयार करना उसके कपड़े ये सब बहुत अच्छा लगता था इसी वजह से हम किसी भी लड़की को देखते थे तो हम सोचते थे हमारी एक छोटी सी गुड़िया ही हो और वो हमारे भगवान ने सुन ली और हमें एक छोटी सी गुड़िया दे दी आज हम उसके साथ बहुत खुश हैं। माई लिटिल बार्बी हार्वी इसके होने से पहले जब हॉस्पिटल में हम इसको लेके गए थे तो उस टाइम मैं आई वॉज वेरी वरीड अबाउट क्या होगा सब ठीक हो और जब मुझे पता लगा कि मेरी बेबी गर्ल हुई है तो मैं बहुत खुश हुआ वो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी पर जब मैंने उसको पहली बार देखा उसकी छोटी छोटी आँखें छोटे छोटे हाथ वो मतलब मुझे देख रही थी तो मैं बहुत इमोशनल हो गया वो टाइम मैं मतलब आपको बता नहीं सकता यू कांट बिलीव हाउ डज इट फील्स लाइक दिस वाज द बेस्ट फीलिंग ऑफ माय लाइफ। आज से एक साल पहले हमारे घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया था जो मेरे अभिषेक बेटा जो दूसरे नंबर का है उसके यहाँ पैदा हुई उसे हम बहुत प्यार करते हैं उसका नाम हमने प्यार से आरवी रखा है एक शॉर्ट नेम कोको है उसका वो मेरे को देखते ही जब भी मैं शॉप से आता हूँ तो मेरे से ऐसे लिपट जाती है जैसे मेरे पिछले जन्मों का उसका क्या संबंध है मेरे पास एक बड़ी पोती भी है जो मेरे बड़े बेटे के पास है मैं उसका नाम बियांका है मैं दोनों पोतियों को बहुत ही प्यार करता हूँ और ये हमारे इस परिवार की एक जान है और हमारे इस छोटी सी बगिया जो परमात्मा ने हमें दे रखी है उसके फूल हैं परमात्मा इनकी लंबी उम्र करे और मैं चाहता हूँ कि भाई ये बड़ी हो और अच्छी बने पढ़े लिखे बस मेरी यही कामना है। ऑन द ओकेजन ऑफ हार्वी फर्स्ट बर्थडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट हार्वी बेटा गॉड ऑलवेज ब्लेस्ड यू स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ लिटिल प्रिंसेस थैंक यू गॉड। कोको बेटा आप नहीं जानते ताई बनने की खुशी कितनी बड़ी खुशी होती है और जो खुशी मुझे आपने दी है आई विश कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो आप अचीव करो एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। मम्मी बहन से बहुत प्यार करती हूँ आई लव यू आरवी। जब मैं हॉस्पिटल गया वहाँ पर मेरा ब्रदर था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन में था एक बहुत ज़्यादा घबराया था भी क्या होगा क्या नहीं तो सब भी होते हैं कोई जिसका पहला एक्सपीरियंस होता है भी क्या होगा क्या नहीं मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि सब अच्छा होएगा ऊपर वाला मालिक है सब अच्छा करेगा ठीक है। अब जैसे ही नर्सिस ने मेरे को बेबी गर्ल पकड़ाई तो इमोशनली हो जाता है ना बता एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं भी हो गया मेरा ब्रदर भी हो गया ठीक है अच्छा भाई लगा जैसे मतलब कोई भाई परी आ गई हो हमारे घर ठीक है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग अस अडोरेबल मेंबर ऑफ द हाउस एंड स्पेशली थैंक्स फॉर हर मदर एंड फादर हर नेम इज हार्वी
मुझे चाची बनने की बहुत खुशी हुई जब मैंने उसे पहली बार देखा। वो बहुत छोटी सी थी, क्यूट सी थी एंड बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट उसी वक्त से हो गई एंड अब वो ज़रा सा भी मुझसे दूर जाती है तो मेरी आंखों में उसके लिए आंसू आते हैं। स्पेशली वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड वी लव यू हार्वी, चाची लव्स यू अ लॉट स्पेशली। 20 सितंबर को ये सुनकर कि हमारी पोती हार्वी का जन्मदिन की बड़ी हमें खुशी हुई और हम परमात्मा से भी यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इसको अच्छी बुद्धि दे और ये पढ़ाई में विद्वान बने और विद्वान बनकर उसके साथ सारे देश में अपना नाम ऊंचा करे, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे ताकि सारा लोग इसकी अच्छाई करे। और मेरी तो यही आशीर्वाद है और आगे भी मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि इसको परमात्मा अच्छी बुद्धि दे और ये लायक बने और हर काम में बढ़ चढ़ कर आगे। आई लव यू हार्वी। जब मुझे पता चला हमारे घर में गुड़िया आई है तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरे पास कोई बेटी नहीं थी, तीनों बेटे थे, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर मैंने जब देखा तो मैं बहुत ही खुश हुई। बड़े बेटे की भी बेटी है तो मेरे पास अब दो दो पोतियां हैं, मेरी दो दो लड़कियां हैं। मेरे को अपनी लड़कियों की कमी महसूस नहीं होती क्योंकि ये मेरे पास हैं। माता रानी इनकी लंबी उम्र करे। आई लव यू हार्वी, लव यू सो मच। जब मुझे पता लगा गुड़िया हुई तो मैं फटाफट सारे काम छोड़ के हॉस्पिटल गया। तो जैसे ही मैंने गुड़िया को अपनी गोद में उठाया मुझे बहुत खुशी हुई। बस मैं इतना चाहता हूँ मेरे भोले बाबा इसको लंबी उम्र दे और कोई भी काम करे सब काम में तरक्की मिले इसे। बस मैं इतना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू टू।